सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी की बोले तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, सो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि आपको उसमें साइन नहीं इंक्लूड करना है या फिर प्लस का हमेशा साइन बताना है। जैसे अगर आपको बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, तो वो क्या होगी, हमेशा 3 ही होगी। बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +3 होगी। तो आपको अगर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो, जैसे -2, -3, -1, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है आपको, तो आप हमेशा किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। वैसे ही अगर आपको प्लस की दी हुई है तो उसे तो आप प्लस में लिखोगे, पर जो माइनस की है उसे भी आप किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। सर जैसे देखिए आपके पास में मोड है, इसको जनरल डोनेशन ये होती है इनकी, कि ऐसे इनको डिनोट करते हैं कि अंदर कोई भी है, माइनस ए में कुछ भी हो सकता है आपका। तो माइनस ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ए आएगी, और प्लस ए की वैल्यू भी क्या आएगी, ए ही आएगी। अब देखो नेक्स्ट, कि आपको अगर ब्रैकेट में किसी दो नंबर का एडिशन दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, या एक नंबर का सब्सट्रैक्शन दे रखा है ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे, पहले आप इनसाइड उनको सॉल्व करोगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर उसका प्लस का रिजल्ट जो भी नंबर आ रहा है तो आप उसे प्लस में लिख दोगे, और अगर वो माइनस में आ रहा है रिजल्ट तो आप क्या करोगे, उसे प्लस में बना के लिख दोगे। ओके, सो हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशन देना आपको। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है इसका। तो जैसे देखिए आपको दे रखा है 2-5 के अंदर, आपको दे रखा है 2-5, तो माइनस वाला बड़ा है तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। सो वी हैव टू सी दैट देयर इज अ -3 इन एब्सोल्यूट मोड। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू हैव टू पुट इट हेयर 3। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी दी हुई है, -3, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 विल बी 3, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, प्लस में लिखनी है वो। सब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको क्या दे रखा है, व्हाट यू हैव गिवन दैट ए इज 2-5 एंड बी इज 3-4, एंड यू हैव टू अप्लाई दिस मोड फॉर्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, सो हाउ यू विल सॉल्व, फर्स्टली अप्लाई दिस मोड, एंड आई हैव टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, अंदर वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व करना है। सो ए इंटू बी मीन्स 2-5 मल्टीप्लाइड बाय 3-4। ओके, एंड राइट हैंड साइड मोड 2-5 मल्टीप्लाइड बाय मोड 3-4। ओके, सब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में इधर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, सो LHS इज इक्वल्स टू 3 × 2, 6, जो न्यूमिनेटर वो बनेगा 6, और नीचे क्या बनेगा, -20 जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा। सो व्हाट यू विल गेट, 6 / -20। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये मोड हटा देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 - 20 विल बी +6/20। जो माइनस का साइन है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ मूव इन टू द नेक्स्ट विच इज RHS। RHS का मतलब क्या है, पे राइट हैंड साइड, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो विच इज, फर्स्टली यू हैव टू गिवन दैट सिंगल मोड, तो सिंगल मोड है तो आपको क्या करना है, सिंगल उसको अलग कर लीजिए। सो -2/5 का मोड क्या होगा, +2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू, सो मल्टीप्लाइड बाय 3/4, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 3 × 2, 6/20। जैसा कि हमने देखा कि LHS और जो RHS ये क्या है, इक्वल है, सो इसका मतलब क्या, हमारा जो रिजल्ट है वो सही है। इन योर एग्जाम्पल्स इज अ क्वेश्चन मेंशन्ड इन 17th एग्जाम्पल, यू हैव टू सॉल्व योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो क्या करना है, आपको खुद को सॉल्व करना है। सब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे उसे। सो देखिए आपको क्या करना है, पहले से डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखना है कि जैसे देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 0 and point something आएगा, 0 point something मीन्स कि ये जो नंबर है किस में लाई कर रहा है, ये जो नंबर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आपके पास में 0.8 आ रहा है, देखिए 0.8 कुछ आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा है 0.8 और 1 से छोटा है, तो ये नंबर किस में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि किस में लाई करेगा। अब देखो माइनस का साइन है, मींस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये जो होगा पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पे होती हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड पे होती हैं। तो देखिए इसमें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा,
ओके अब देखिए ये इससे बहुत छोटा है तो आंसर क्या आएगा, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो पॉइंट कुछ आएगा हमारा आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 10 भी आता है 0.1 आ जाएगा, 0.1 से आगे से चलता रहेगा। तो 0.1 क्या है, जीरो से छोटा है और माइनस वन से बड़ा है, मीन्स ये किस में लाई करेगा, माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन बनाएंगे। सो ये लीजिए हमने ये बना दिया नंबर लाइन, बीच में हमने क्या मेंशन कर दिया, ओरिजिन मतलब जीरो। अब जो इधर जाएंगे तो माइनस वन होगा और इधर जाएंगे तो प्लस वन होगा। हमें पता है कि जो फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है ये इसके इस तरफ लाई करेगा जीरो से वन के बीच में, और जो माइनस वैल्यू है ये किस में लाई करेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। सो प्लस की वैल्यू में अपने देखते हैं कि अब इसको नोट कैसे करना है, इस पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर दे रखा है, मींस डिनोमिनेटर मींस जो नीचे वाली टर्म दे रखी है, यू हैव टू मेक दैट मच डिविजन्स। कि आपको अगर सेवन दे रखा है तो आप सेवन डिवीजन बनाएंगे, सिक्स दे रखा है तो आप सिक्स डिवीजन्स बनाएंगे। तो इसमें देखिए आपको सेवन दे रखा है तो सेवन डिवीजन्स बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये खुद वाली हो गई। ओके सो अब ऐसे यहाँ से देखेंगे अपने तो ये क्या होगा, वन बाय सेवन, टू बाय सेवन, थ्री बाय सेवन, फोर बाय सेवन, फाइव बाय सेवन, सिक्स बाय सेवन एंड सेवन बाय सेवन। सेवन बाय सेवन का मतलब वन, जो हमारा नोटेशन है। ओके तो अब देखिए इसमें से ये सारे अपने डिविजन्स बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको दिया हुआ है न्यूमिनेटर में चेक करना है कि अगर सिक्स दिया हो तो आप सिक्स डिवीजन पे उसको मार्क कर दोगे। तो आपको क्या करना है, बाकी के उसमें से कोई भी मार्क नहीं करना है। ओके सो आपको सिर्फ मार्क करना है जो, वो क्या करना है, सिक्स बाय सेवन, बिकॉज ये आपको बोला कि नंबर लाइन पे से डोनेट करना है। ओके सो उसके बाद में क्या, नेक्स्ट लाइन क्या है, आपको दिया है पॉइंट डिनोट करने के लिए माइनस वन बाय सिक्स। तो अब देखिए जीरो से माइनस वन के बीच में लाई करेगा, मतलब माइनस साइन तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि माइनस की तरफ ही है हम। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, सिक्स है, तो डिविजन्स कितने बनाएंगे हम, सिक्स। सो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कौन सा है, ये खुद है। और हमें क्या चाहिए, न्यूमिनेटर में क्या है, वी हैव वन इन न्यूमिनेटर। तो डिविजन्स पे जो न्यूमिनेटर में होता है वो, अगर वन डिविजन का तो वन पे लगाते थे, टू है तो टू पे। सो वन पे हम ये मार्क कर देंगे वन बाय सिक्स, से आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय सिक्स जो आपका डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लाइन पे, नंबर लाइन पे कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक्स में दे रखा है, एग्जांपल्स दैट वाज गिवन टू यू द 10 बाय 3। तो 10 बाय 3 को आप कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्टली डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 3 से डिवाइड होगा एंड देन 1 बाय 3। तो 3 1 बाय 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से तो ये बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। तो आपने क्या करना है कि बाकी जो डिवीजन है वैसे ही बनानी है, और जो 3 और 4 के बीच की जो डिवीजन है उसमें आप क्या कर दोगे, उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाओगे। डिवीजन्स कितनी बनाओगे, डिनोमिनेटर टर्म मींस 3, और मार्क किस पे करोगे, इसे 1 पे। एंड सिमिलरली फॉर माइनस आप क्या करोगे, माइनस की तरफ प्रोसीड करोगे। सो ये हमारा था कि नंबर लाइन पे अपने कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर और 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। कि आपको क्या दिया होगा, 2 रेशनल नंबर्स दिए होंगे, उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, उनके बीच के जो रेशनल नंबर्स हैं 5 रेशनल नंबर, वो आपको फाइंड करने हैं। तो आपका इसका मेथड क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने का आपको जो मेथड है वो है कि अगर आपके पास में, सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर जो है वो उसका सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने केस देखेंगे, अगर है तो फिर ये वाला केस अपने अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है आपके, कि जो डिनोमिनेटर टर्म है वो क्या है, सेम है। तो सेम है और हमने नंबर्स कितने फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर हमें सिर्फ 6 करने हो तो उसका भी वही प्रोसीजर है, जितने भी नंबर्स फाइंड करने हो उसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। तो आप क्या करोगे, अगर 5 फाइंड करने हैं तो 5 प्लस 1 क्या दे रहा है हमको, 6 दे रहा है हमें। तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर आया इससे आप दोनों नंबर्स में ऊपर और नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 1 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 6। 6 अपॉन 6 का मतलब 1 होता है, मींस हमने टर्म चेंज नहीं किया, 1 बाय 3 इंटू 1 क्या होता है, 1 बाय 3 ही होता है। तो आपने क्या करना है, 1 इसको 6 बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे
और इधर जो नंबर है उसे भी क्या करोगे आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई चेंज नहीं है, कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो यू विल गेट 6/18 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 12/18। अब आप इसमें से देख सकते हैं पूरे पूरे सिर्फ आपको 5 नंबर्स ही मिलेंगे, एग्जैक्ट 5 नंबर्स जो हमें इसके बीच के चाहिए। तो व्हाट आर दे, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18 एंड 11/18। सो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो दीज आर द 5 नंबर्स। और अगर आपको ये दिया हो कि जो डिनोमिनेटेड टर्म है वो सेम नहीं है, सो हाउ विल यू सॉल्व इट, जैसे आपको दिया 1/3 और इधर आपको क्या दिया है, इधर आपको मान लीजिए दिया है 2/7। ओके, सो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि इनका एलसीएम लोगे जो दो डिनोमिनेटर्स है, सो एलसीएम विल बी 21। सो आपने 21 जो ले लिया वो एलसीएम ले लिया। अब देखिए कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया 7, तो इधर वाली साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे 7 से, और इधर वाली साइड देखिए 7 को जब आप 21 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 3, आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। तो आप क्या करेंगे इसे 3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर 7/21 एंड हेयर यू विल गेट 6/21। सो आपको क्या करना है, ये तो हमने खुद से बना के किया क्वेश्चन, जो आपको बुक में टेक्सचुअल क्वेश्चंस में दिया होगा उसमें आपके बीच में जितने भी उन्होंने नंबर पूछे हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सो इसके आगे आपके पास में कुछ और भी क्या है क्वेश्चंस है, जो कि आपके पास में कौन से हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सो वो भी हम देखते हैं कि इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट टू यू, जो आपके पास सबसे लास्ट कंसेप्ट है वो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चंस। सो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 2000/3 रुपीज, मीन्स आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है कि जो 5 बुक्स का प्राइस है वो क्या है आपके पास में 2000/3 रुपीज है। सो नाउ नेक्स्ट यू हैव गिवन दैट प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज 1200/7 रुपीज, और आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 18 बुक्स एंड 28 पेन्स। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले 5 बुक्स से हमें प्राइस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे पहले एक बुक का प्राइस निकालेंगे। अगर 5 बुक्स का प्राइस ये है तो प्राइस ऑफ 1 बुक विल बी दिस प्राइस डिवाइडेड बाय 5, सो 2000/3 × 5, सो यू विल गेट 2000/15। सो अब हमें फाइंड किसका करना है, 18 बुक्स का प्राइस करना है फाइंड, तो हम क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 18, सो 18 बुक्स इज इक्वल्स टू 2000/15 × 18। सो आप क्या करेंगे इसे किससे कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 5 = 15 × 3 = 18, सो नाउ यू कैन डिवाइड दिस बाय 5, सो यू विल गेट 400 एंड 4 × 6 यू विल गेट 24, मीन्स 2400 रुपीज, मीन्स कि आपके पास में जो बुक्स का प्राइस है द कॉस्ट फॉर 18 बुक्स इज 2400 रुपीज। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 8 पेन्स, सो जैसा हमने इसके लिए किया वी विल डू सिमिलरली फॉर द पेन्स, सो 8 पेन्स कॉस्ट 1200/7 रुपीज। ओके, सो नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 1 पेन, सो 1 पेन विल बी दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो व्हाट यू विल गेट 1200 × 7 × 8 = 56। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू वांट, वी वांट 28 पेन्स कॉस्ट, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 28, सो 28 पेन्स इज इक्वल्स टू 1200/56 × 28, सो यू कैन सी दिस कैन बी कैंसिल्स बाय 28 एंड हेयर वी गेट 2 एंड हेयर वी गेट 1, सो नाउ कैंसिल दिस 12/2, सो यू विल गेट 600, सो द एक्चुअल अमाउंट फॉर द पेन्स इज 600 रुपीज़।
एंड द टोटल अमाउंट फॉर दीज इज द एडिशन ऑफ दीज टू. सो यू विल गेट 2400 रुपीज प्लस 600 रुपीज इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज ओनली. सो द अमाउंट फॉर द 18 बुक्स एंड 28 पेन्स इज 3000 रुपीज. सो ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज योर कवर्ड इन दिस लेक्चर. सो यू हैव टू लुक एट केयरफुली एंड सॉल्व योर एग्जाम्पल, सॉल्व योर क्वेश्चन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.